ईशा भरत के तलाक होने के बाद अब तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच दावा किया जा रहा है कि एक समय पर हेमा मालिनी चाहती थी कि उनकी बेटी ईशा देओल की शादी बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन से हो जाए। कहा जाता है कि इस बात के लिए उन्होंने खुद अमिताभ बच्चन से बात भी कर ली थी, लेकिन ईशा देओल को अभिषेक बच्चन पसंद ही नहीं थे। उस समय ईशा ये कहकर अभिषेक को ठुकरा दिया था कि वो उन्हें बड़े भाई की तरह मानती हैं। आपको बता दें, ईशा देओल अभिषेक बच्चन कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं, जिसमें धूम, एलओसी, कारगिल, 10 और युवा का नाम शामिल है। हालांकि दोनों की शादी की बातचीत एक दिन में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि ईशा देओल ने अपनी मां से साफ मना कर दिया था कि वो अभिषेक से शादी नहीं कर सकती, जिसके बाद 2012 में ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड भरत से शादी कर ली थी। आपको बता दें, भरत ईशा स्कूल के दिनों से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए शायद ईशा ने अभिषेक से शादी करने से मना कर दिया। अगर ईशा उस वक्त अभिषेक से मिली होती तो ना ही उनका तलाक होता और ना ही आज हेमा मालिनी की ऐसी हालत होती। जहाँ हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा देओल का घर टूटने पर बहुत परेशान है, चिंता में वो ना ही कुछ खा रही है और ना ही घर से बाहर निकल रही है, लेकिन धर्मेंद्र नाच रहे हैं। जी हाँ, एक वीडियो सामने आई है जिसमें धर्मेंद्र हाथ में ड्रिंक का ग्लास पकड़ते हुए सीट पर बैठकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, मेरी नातिन की शादी के खास मौके पर। हालांकि इस वीडियो की वजह से लगातार उन्हें ट्रोल भी होना पड़ा। धर्मेंद्र की इस वीडियो पर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कॉमेंट लिखा, पाजी। उनके दोनों बेटे सनी बॉबी ने भी हार्ट इमोजी पोस्ट की। हालांकि नेटिजंस बाज नहीं आए, उन्होंने धर्मेंद्र को ट्रोल किया। एक ने लिखा, एक तरफ ईशा का तलाक हुआ और पिता डांस कर रहे हैं। एक ने लिखा, ईशा का घर टूटने की खुशी मना रहे हैं पिता लगता। बता दें, पिछले साल ईशा देओल अपने पति का घर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गई है, जिसके बाद कपल के तलाक की खबरें चर्चा में आ रही है। अब हाल ही में खुद ईशा भरत ने इस बात की पुष्टि की कि वो अलग हो चुके हैं। इस तलाक के जिम्मेदार भरत हैं, क्योंकि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया जा रहा है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि भरत ईशा को दूसरे बच्चे के बाद से टाइम नहीं दे रहे थे। एक तरफ हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा के तलाक को लेकर परेशान है, ये चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और वो इस चिंता में अपने आप पर ध्यान नहीं दे रही है, तो वहीं देओल परिवार में पार्टियां हो रही हैं। धर्मेंद्र के नाचते हुए वीडियो सामने आई है, जिसमें वो हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए नाच रहे हैं। तो सनी देओल की भी एक फोटो सामने आ गई है, जिसमें वो नाचते दिखाई दिए, बाप बेटे को खुशी एंजॉय करते देख कहा जा रहा है। जरूर देओल परिवार में कुछ अच्छा हुआ होगा, जरूर जश्न मनाया जा रहा है। तो बड़ी खबर होगी, क्या ईशा देओल का तलाक रुक गया या फिर भरत तख्तानी ने तलाक का मजाक किया होगा और अचानक उन्होंने ईशा को गले लगाकर तलाक पर चुप्पी तोड़ी होगी। क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत में भला कौन पिता ऐसे ड्रिंक हाथ में लेकर एंजॉय कर सकता है, कैसे उनके चेहरे पर खुशी और हंसी हो सकती है। सनी देओल तो हेमा ईशा से मतलब नहीं रखते, इसलिए वो तो पार्टी कर भी सकते हैं, लेकिन धर्मेंद्र इस दुख में कैसे पार्टी कर सकते हैं। भले ही धर्मेंद्र की नातिन की शादी के वक्त ये वीडियो है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने कैसे इस वीडियो को शेयर किया होगा। जब मूड अच्छा होगा तभी तो ये वीडियो शेयर किया होगा, यानी तलाक के बीच धर्मेंद्र का मूड बिल्कुल अच्छा है। आखिर ईशा उन्हीं की बेटी तो है, उनकी बेटी का घर उजड़ रहा है और वो नाच गाकर पार्टियां कर रहे हैं।